हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और आज अपना जो है वो पेपर डिस्कशन का सेशन है। आपका बेसिक केमिस्ट्री जो पढ़ाया गया था, कुछ बेसिक केमिस्ट्री बेसिक्स कुछ पढ़ाए गए थे, उसके बारे में पेपर हुआ आपका आज। और जिसका ये सॉल्यूशन जो है वो हम बताने वाले हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आज का पेपर आपका अच्छा गया होगा, सारा आप अटेम्प्ट किए होंगे, फुल में से फुल मार्क्स आया होगा आई होप। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या है सॉल्यूशन, क्या होता है, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक सा सारा कुछ था, चूंकि बेसिक केमिस्ट्री है तो अप्रोक्स कोशिश किया गया था कि सारे क्वेश्चन जो है वो 9th 10th के सिलेबस से ही रखा जाए, और आपको जो बेसिक केमिस्ट्री बताया गया था वो भी उसी प्रकार से कुछ था, ठीक है? तो ज्यादा कठिनाई तो नहीं आना चाहिए। फिर भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन पहला कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैल्सियम सल्फेट, ठीक है? कैल्सियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो ऑप्शन में यहाँ जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ए था आपका BaSO4, ठीक है? बी जो था वो कौन सा था? MgSO4, ठीक है? सी जो था वो कौन सा था? BeSO4। और डी जो था वो कौन सा था? CaSO4, ठीक है? ये SO4 जो है, इसमें से जो SO4-2 है ये सल्फेट आयन है, ठीक है? सल्फेट आयन है, बात समझ में आ रहा है? लेकिन इसके बगल में जो लगा हुआ वो मेटल लगा हुआ है, ठीक है? कौन सा? जैसे कि Ba, तो ये क्या हो गया? बेरियम, बेरियम, ठीक है? उसके बाद Mg क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है? उसके बाद Be क्या है? बेरिलियम, ठीक है? उसके बाद Ca क्या है? कैल्शियम, ठीक है? तो ये सल्फेट आयन जिसके साथ भी लगा हुआ रहता है, मेटल और सल्फेट इसमें ऐड करते हैं, नाम लिखते हैं, ठीक है? तो ये तो पता ही होगा आपको कि ये चूंकि कैल्शियम है, तो कैल्शियम के साथ जब SO4 लगा हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम सल्फेट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एंड दिस इज बेरियम सल्फेट, मैग्नेशियम सल्फेट और बेरिलियम सल्फेट। इस तरीके से ये होता चला जाएगा, बात समझ में आ रहा है, ठीक है? क्लियर है, ठीक? अब आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर जो 2 का था वो ये कहता है हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन फॉस्फोरस, न्यूट्रॉन निकालना है, ठीक है? न्यूट्रॉन आपको निकालना है किसमें? तो फॉस्फोरस में, 15 और 31। तो एटॉमिक मास बराबर क्या होता है? मास नंबर, ठीक है? मास नंबर बराबर क्या होता है? मास नंबर बराबर होता है आपका क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही हम लोग पढ़े थे। तो मास नंबर यहाँ कितना दिया हुआ? 31, ठीक है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना दिया हुआ? 15, ये होता है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये हम n लिख देते हैं, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये वाला पार्ट जाहिर सी बात है इधर हो जाएगा, दैट इज 31-15, कितना हो जाएगा? टोटल 16, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी, ये बी में दिया हुआ, ठीक है? क्वेश्चन 3 के लिए यदि हम जाएं तो क्वेश्चन 3 का आता है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सिलिकॉन, ठीक है? सिलिकॉन, सिलिकॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है आपका? आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1 से लेकर के 4 तक क्या कहलाते हैं? वैलेंसी। लेकिन लास्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपका रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि सिलिकॉन का हम करेंगे तो Si का कितना हो जाता है? 14 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 और 4 आएगा, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो द आंसर इज 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी, डी जो होगा वो आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? और खास बात है कि यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यही इसका वैलेंसी भी हो जाएगा। यदि वैलेंसी पूछता तो यही इसका क्या हो जाता? वैलेंसी, ठीक है? वैलेंसी के लिए क्या हो जाता है? वैलेंसी के लिए हो जाता है 1 से लेकर के 4 तक यदि रहेगा तो सेम हो जाएगा, ठीक है? और क्या रहेगा? यदि 4 से ज्यादा रहेगा, ठीक है? 4 से यदि ज्यादा रहेगा तब हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे? 8-वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उससे क्या निकल जाता है? वैलेंसी, ठीक है? उससे आपका क्या निकल जाता है? वैलेंसी। यदि 4 से ज्यादा रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है? 4 से यदि ज्यादा रहेगा तो। खैर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आता है हाउ मेनी प्रोटॉन प्रेजेंट इन कैल्सियम, कैल्सियम में कितना प्रोटॉन है? तो कैल्सियम है ये आपका, ठीक है? तो कैल्सियम क्या होता है आपका? सी ए,
और ये होता है 20 और ये होता है 40 एटॉमिक मास। और ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ठीक है, बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटोन, ठीक है, प्रोटोन। तो एटॉमिक नंबर इसका क्या हो जाता है, 20, तो नंबर ऑफ प्रोटोन भी क्या हो जाएगा, 20। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Na, सोडियम आयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 का था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Na+ आयन। ठीक है, तो ये Na+ कैसे बना, एक इलेक्ट्रॉन दे करके। मेटल का सोडियम क्या होता है, मेटल, और मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर पॉजिटिव आयन। एक पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, ये किसी को दिया होगा। तो जब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितना रहा होगा, 11 रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब ये Na जो था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, Na+ में, और साथ ही साथ जब ये बाहर कर देगा एक इलेक्ट्रॉन, तो इससे पहले जो इसमें इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन बराबर वो 11 था, ठीक है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन जो है उसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बराबर इसमें आ जाएगा 10। और चूंकि यहाँ पे और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन ये भी तो है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि Na+ आयन में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन होगा, और आंसर हो जाएगा आपका बी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 का था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइसोटोप्स टू ईच अदर। आइसोटोप्स क्या होता है, एटॉमिक सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स ठीक है, क्या होता है ये, तो सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन, डिफरेंट इन ठीक है, मास नंबर, मास नंबर, मास नंबर जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यदि आप देखें, सी में हाइड्रोजन दिया हुआ, ये H11 एंड ये H12, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप्स है। और इस हाइड्रोजन को जिसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास वो भी क्या है, 1, इस वाले हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक मास 2 है, तो मास नंबर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। और इस वाले हाइड्रोजन को ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी कहा जाता है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। और ये वाला को हम लोग एक अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डी, ड्यूटेरियम, इस वाले आइसोटोप्स का एक अलग नाम है, दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग ड्यूटेरियम भी कहते हैं, ड्यूटेरियम भी कहते हैं। और इससे हार्ड वाटर बनता है, जैसे ये हाइड्रोजन से यदि हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, H2O बनता है, दैट इज ये आपका हो गया वाटर, ठीक है, और ड्यूटेरियम हेवी आइसोटोप्स हो गया एज कंपेयर टू ये, तो इससे जो बनेगा यानी कि D2O, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हार्ड वाटर कहते हैं, हार्ड वाटर कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जानकारी हम ज्यादा बता दे रहे हैं आपको सॉल्यूशन में भी, ताकि नॉलेज क्या है आगे काम ही आएगा, एक दूसरे से इंटरलिंक भी मिलेगा आगे भी आपको सारा कुछ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल सॉल्यूशन बता रहे हैं, सॉल्यूशन के साथ थोड़ा ना थोड़ा यदि जानकारी आपके लिए हम दे सके तो उसको भी एक स्टेप आगे बता रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, तो ये कहता है व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन जो है, जाहिर सी बात है क्या हो जाता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, ये क्लास 9 में भी बताया जाता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन का क्या हो जाता है। तो चार्ज ऑफ प्रोटोन अपने को क्या है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है, बट मैग्नीट्यूड जो रहता है यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव अलग अलग होता है। ठीक है, हम इसके लिए ऐसा भी लिख सकते हैं प्लस, ठीक है, ये प्लस, ठीक है, लेकिन चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो क्या लिख सकते हैं, −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, 1.062, हाँ ठीक है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, बी इज द करेक्ट आंसर, ये हम आपको बस रिवीजन के लिए यहाँ पे बता दिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बार बोल रहा है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी कम होता है, और इतना कम होता है कि उसको हम लोग जब मास ऑफ एटम जो होता है उसमें हम लोग कैलकुलेट उसको नहीं करते हैं, नेग्लिजिबल हम उसको लेकर के चलते हैं, और ये चीज एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट है,
वो क्या है, वो क्या है 9.11 × 10⁻³¹ केजी, ये ध्यान में रखना है यूनिट केजी में। उसके अनुसार से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी सेम डिजिट दिया हुआ है लेकिन वो ग्राम में है, वो गलत है। ठीक है, ठीक। और डी जो नॉन ऑफ दिस लिखा है वो भी क्या है, वो भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और सी लगता है सेम चला गया है लेकिन कोई बात नहीं, आंसर कौन सा है, ए है, तो इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यदि हम 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन Mg+2 आयन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ठीक है इन Mg+2 आयन। ठीक है, तो जैसे Na+ आयन एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल करके Na बन गया, ठीक है, उसी प्रकार से यदि हम Mg की बात करें तो ये होता है 12, और 12 यदि न्यूट्रल है तो क्या हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन भी होगा और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, एंड आपको क्या मिलेगा, एंड 12 प्रोटॉन भी मिलेगा। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन भी मिलता है और 12 प्रोटॉन भी मिलता है। लेकिन जब Mg, ठीक है, Mg क्या बन जाता है, Mg+2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो उस कंडीशन में Mg जो हो जाता है वो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। लेकिन लेकिन प्रोटॉन जैसा का तैसा रहता है, प्रोटॉन 12 का 12 ही रहता है क्योंकि आयंस में जब कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन लेना और देने के कारण होता है, लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, यहाँ पे प्रोटॉन का कोई खेल ही नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन पूछा जाएगा किसी के लिए भी, तो वो आपका प्लस माइनस चार्ज में रहे कुछ भी, उसका एटॉमिक नंबर जो होगा वही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, 12। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टू नॉन मेटल। ठीक है, क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग नॉन मेटल, नॉन मेटल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो कहता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन मेटल का होता है। ठीक है, यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं नहीं तो हो सकता आपको नजर नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या, ए में क्या बोलता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और लूज इलेक्ट्रॉन कौन करता है, ये मेटल्स करता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। बी जो ऑप्शन है वो क्या कहता है कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और ये कौन करता है, नॉन मेटल। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए सही होगा क्योंकि ये नॉन मेटल के लिए बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका सही आंसर है। और नाइदर गेन और नॉर सॉरी नाइदर लूज और नॉर गेन, तो इसमें से कोई नहीं है, मेटल्स और नॉन मेटल्स कोई नहीं है, और नन ऑफ दिस ऐसा है नहीं, इसमें आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, ठीक है, जिंक क्या है भाई, तो जिंक जो होता है वो मेटल होता है। ठीक है, जिंक क्या है आपका, ठीक है, जिंक क्या है आपका, मेटल है जो कि किस ब्लॉक का होता है, डी ब्लॉक का होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, याद रहेगा डी ब्लॉक में बीच वाला जो पीरियोडिक टेबल होता है ना ऐसा अपना, ठीक है, पीरियोडिक टेबल जो होता है अपना, तो ये होता है आपका डी ब्लॉक, ये होता है आपका पी ब्लॉक, ठीक है, ये होता है एस ब्लॉक, और ये वाला नीचे वाला होता है एफ ब्लॉक। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो जिंक कौन सा में आ जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आ जाते हैं, और ये मेटल्स, ये बेसिकली क्या है, मेटल्स हैं, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टू कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड के रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट सही है, फॉर्मड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिन्हें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आयोनिक कंपाउंड बनाता है, फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है वो क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या देखने को मिलता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यदि हम आयोनिक कंपाउंड का बात करें, तो वो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखने का तरीका, कंप्यूटर
इंजीनियरिंग में दो ब्रांच होता है, कंप्यूटर साइंस एक को कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस को हम लोग क्या लिखते हैं, CS, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को क्या लिखते हैं, IT। तो C फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, S फॉर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज दैट क्लियर, I फॉर आयोनिक बॉन्ड एंड T फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक बड़ा ही आसान तरीका है आपका, आपको यदि कंफ्यूजन होता है उसको दूर करने का। हालांकि इतने बार हम लोग इसको देखने वाले हैं, पूरे केमिस्ट्री में ही ये रहता है कि किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं नजर आने वाला है आगे। ठीक है, बात समझ में आया क्या चल रहा है? तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोलता है कि ए, ठीक है, H2+BO2, और ये क्या बन गया है, H2O, CH2O बन गया है। ठीक है, क्या बन गया है, CH2O। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, क्या निकालना, ए बी एंड सी का वैल्यू निकालना है, यानी एक तरह से बैलेंस करना है केमिकल रिएक्शन को। ये आप क्लास 10th के केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस नाम के चैप्टर में पढ़े थे, जिसमें आपको कुछ नहीं करना रहता, LHS इज इक्वल टू क्या करना रहता, RHS। लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम्स हैं उसको क्या करना है, राइट हैंड साइड से मिला देना। हालांकि ये काफी आसान है, तो देखते हैं, ये है आपका H2 और ये क्या है आपका O2। ठीक है, ये आपका क्या है O2, और ये क्या बन गया, H2O बन गया। तो ये है आपका रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में आपका क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन दो एटम है, ऑक्सीजन भी दो एटम है, और प्रोडक्ट में यदि हम जाएंगे तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन दो एटम है और ऑक्सीजन क्या है, एक एटम है। तो एक को अपने को दो में कन्वर्ट करना है, तो ये हम कट करके यहाँ दो लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दो से, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन दो से मल्टीप्लाई करने पे ये हाइड्रोजन भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो डिजिट होता है वो इससे भी मल्टीप्लाई होता है और इससे भी मल्टीप्लाई होता है। तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4, और ये ऑक्सीजन, ठीक है, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको जब 2 कर देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, और इस कंडीशन में ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। यानी ए इज इक्वल टू क्या आया, 2। ठीक है, बी इज इक्वल टू क्या आया, 1, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, और सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 13 था। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी 13 था नहीं, हाँ 14, 14। क्वेश्चन नंबर 14 यदि हम देखें तो कहता है, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो आप जानते ही होंगे कि किसको कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। लेकिन ये बेसिकली बनता क्या, हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो क्या होता है आपका, OH-, ठीक है, आयन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन ये होता है, और इस पे कितना निगेटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है। और कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम आपका हम मान लेते हैं, इसका वैलेंसी कितना हो जाता है, इसका वैलेंसी हो जाता है आपका 2, इसका वैलेंसी कितना होता है, 2, और हाइड्रोक्साइड आयन का कितना होता है, 1। तो क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, हम लोग सीखे हैं क्लास 9th में आप देखे होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस चला जाएगा, यानी कि एक जो है वो क्या रहेगा, कैल्शियम, और 2 हो जाएगा OH-। तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इज दैट क्लियर। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का 15, तो कहता है, चूज द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड MgCl2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ये कितना था आपका, 14 था। ठीक है, 15 में यदि हम आए तो कहता है, चूज द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, और जो गिवन कंपाउंड वो क्या है, MgCl2। MgCl2 क्या कहता है, Mg क्या है, मैग्नीशियम, और Cl2 क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड मैग्नीशियम नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सी स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होना चाहिए। क्लोरीन मैग्नीशियम, ऐसा तो कोई नाम ही हम लोग नहीं लिखते, और नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक
ठीक है, क्वेश्चन 15 पहुंच गए, अब आगे थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है। फिफ्टीन के बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, कहता है चूज द करेक्ट नोबल गैस। नोबल गैस बोलता है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी नियॉन, डी हाइड्रोजन। तो जो 16 नंबर है उसमें नोबल गैस, ठीक है, नोबल गैस, तो नोबल गैस जो होता है वो कौन सा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है, ज़ेनन, रेडन, ये आपका क्या है नोबल गैस, ये आपका क्या है नोबल गैस। एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86, ठीक है, ये इसका क्या हो जाता है, क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86, ठीक है, 2, 10, 18, 36, 54, 86, तो ये आपका नोबल गैस है। तो नोबल गैस में कौन आ जा रहा है भाई, नियोन, यहाँ जो ऑप्शन है वो किस कौन सा है, नियोन का है, तो ऑप्शन नंबर सी, सी जो है वो करेक्ट आपका आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोबल गैस, कौन नोबल गैस नहीं है, तो यहीं से आ जाएगा, हीलियम इसमें है, नियोन भी है, आर्गन भी है, तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, बी कौन सा, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो नोबल गैस नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, 18 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल, मेटल कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है नॉन मेटल, ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है नॉन मेटल, ठीक है, एफी, एफी क्या है आपका मेटल, सो दिस इज द करेक्ट आंसर सी वाला, एंड डी में क्या बोलता है, और लास्ट आपका बोलता है एक्सी, और एक्सी आपका क्या है ज़ेनॉन, दैट इज कॉल्ड नोबल गैस, नोबल गैस, ये आपका नोबल गैस है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन सेल, 19, 19 एन सेल का बात कर रहा है, ठीक है, हम लोग पढ़े थे के एल एम एन, ये पढ़े थे ना, और कैसे निकालते थे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो किससे निकालते, 2n² से, ये निकालते थे ना, और n क्या था, n क्या था नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल कौन सा सेल है, या फिर यू कहें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर याद आ रहा है जो पढ़े थे हम लोग, तो इसके लिए क्या था, इसके लिए k बराबर होता है 1, l बराबर 2, ठीक है, m बराबर 3 और n बराबर होता है 4, तो इसके लिए निकालना होगा था 2 का 4 का स्क्वायर, तो 4 16, 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, सो द आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर, इसके लिए हो जाएगा एन का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो आएगा 2, इसके लिए करेंगे 8 और इसके लिए करेंगे तो कौन सा हो जाएगा 18, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन आएगा और इसके लिए 32, सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पी सब सेल, ठीक है, पी, पी वाला में, ठीक है, तो ये एसपीडीएफ का बात हो रहा है, ये सेल बोला था और ये सब सेल बोल रहा है, ठीक है, पी सब सेल, सब सेल ये भी बताए थे, एस में कितना होता है 2, पी में कितना होता है आपका 6, डी में कितना होता है 10 और एफ में कितना होता है 14, ये बताए थे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसके आधार पे किए थे, तो पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हुआ। अब देखेंगे 21, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सोडियम, सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना है, किसके लिए, सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, तो ये कौन सा दिया हुआ है, 2, 8 वाला नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ एसपीडीएफ वाला, तो लिखने बताए थे 11 के लिए क्या रखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, बताए हैं कैसे लिखना है, वो तरीका भी बताए थे और दो तीन बार सारा होमवर्क भी दिए थे लिखने, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आते हैं और कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी सब सेल, डी सब सेल, तो डी सब सेल यहाँ पे बताए हैं, डी सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो डी में कितने होंगे, डी सब सेल में, ठीक है, डी सब सेल में होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स, और 10 इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, 23 बोलता है
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पी सब सेल इन मैग्नेशियम? यस, अच्छा है, कहता हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पी सब सेल इन मैग्नेशियम। ठीक है, पी सब सेल का तो निकालना है, ठीक है, सब सेल तो निकालना है, लेकिन किसका? एमजी में, एमजी में जो पी सब सेल आ रहे हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो एमजी का बेटा क्या हो जाता है, एमजी ये आपके लिए आ जाएगा एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा तो 1s1, 2s2, 2p6 और ये आ जाएगा 3s2, ये आ जाएगा। तो ये बोलता है पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो पी यहीं पे आ रहा है, केवल एक ही पी आ रहा है, और इसमें आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स ये वाला आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो आंसर इज 6, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की यदि हम बात करें तो कहता व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन तो होना जरूरी है, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं थी, बस आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होता, क्योंकि वो H2 और O2 दिया हुआ, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ठीक है, पेरोक्साइड, ठीक है, पेरोक्साइड। और यहाँ और एक खास बात, जो D2O2 होता है वो क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम पेरोक्साइड, ठीक है, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम पेरोक्साइड, ये आपका होता है, हैवी आइसोटोप्स हो गया, हैवी इसका हाइड्रोजन का, C2O2 और N2O2 वो तो ऑक्साइड ही है उसका ही, ठीक है। तो खैर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बात हो रहा था, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या हो जाएगा, ये आपका होगा, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 यही हम बता देते हैं, ठीक है, 25 के लिए क्या बोलता है, 25 के लिए बोलता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी सबसेल ऑफ कॉपर? अच्छा, इसके लिए तो फिर जगह चाहिए, डी सबसेल कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, डी सबसेल कॉपर, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, डी सबसेल, और वो भी किसका, कॉपर का, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो कॉपर का कितना होता है 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने बताए थे, और ये बताए थे एक्सेप्शन केस वाला भी है, ठीक है, एक्सेप्शन केस वाला भी है, यहाँ पे हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला जो रूल आता है वो हम आपको बताए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो ये क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 3d आपका कितना हो जाएगा 10, और 4s ये 1 आता है, खास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। तो डी की यदि हम बात करें, डी एक ही है और कहीं डी नहीं है, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर जो है वो सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, फुल में से फुल मार्क्स आए होंगे, सारे बेसिक चीज ही थे, ठीक है, तैयारी करते रहना है, अभी जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते रहना है, ठीक है, ठीक। तो अगला टेस्ट जो होगा वो आपका इसी चैप्टर पे होगा, चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं, थैंक यू सो मच।